हेलो एवरीवन, मैं विकास त्रिपाठी और अभियान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दृश्य कला से आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, रामकिंकर बैच के बारे में। रामकिंकर बैच की अगर हम बात करें तो अगर रामकिंकर बैच को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक या पिता कहा जाता है ऐसा हम जानते हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में बांगुरा में हुआ था, बंगाल में। बांगुरा क्यों प्रसिद्ध है? मैं अपनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जो एक ट्रेडिशनल जो मूर्तिकला बनाई जाती है मिट्टी की, टेराकोटा, उसके लिए प्रसिद्ध है। और शायद बचपन से ही एक उस परिवेश में रहने के कारण एक तरीके से बचपन से ही इनके अंदर कला की प्रतिभा थी। अगर से हम इनकी जीवनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो परिवार था, इनका परिवार एक हम ये कह सकते हैं पिछड़ा समाज, या फिर ये है कि अभाव में जीने वाला परिवार था। तो बचपन से ही एक अभाव में जो जीना था, अभाव में रहना था, वो इन्होंने एक तरीके से उसका दर्शन किया था। आगे चल के भी इनके पास तमाम अभाव सामने आए। शिक्षा की बात करें तो उसके पहले एक घटना है 1924 या 25 में, जो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक थे, इनका नाम था रामानंद चटर्जी। इनकी आग्रह पर, रामानंद चटर्जी की आग्रह पर क्या हुआ कि इनको शांति निकेतन ये शिक्षा लेने गए। कौन? रामकिंकर बैच। और इनके गुरु कौन थे? शांति निकेतन में शिक्षा जब ये लेने गए तो इनके गुरु थे नंदलाल बसु। हम सभी जानते हैं कला के जगत में उनका जो योगदान रहा है, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में जो योगदान रहा है। तो एक तरफ एक कलाकार, एक सिद्ध कलाकार था, तो दूसरी तरफ कौन था? उनका शिष्य कौन था, जो एक तरीके शिरोमणि था मूर्तिकला में करीब शिरोमणि था। तो ये एक समावेश था, गुरु अपने आप में शिरोमणि और शिष्य भी उनसे कम नहीं। तो हम ये देखते हैं, अगर से व्यक्तिगत इनकी बात की जाए, रामकिंकर बैच की व्यक्तिगत हम बात करें तो एक तरीके से इनके अंदर एक साधुत्व था, साधुपन था, बहुत कम चीज़ों की आशा करना, जितना है उतने में खुश रहना, शांतिवादी रहना। चित्रकार के मूर्तिकार के साथ साथ ही कुशल चित्रकार भी थे, अच्छा गाते भी थे। और इसके साथ उसके अपने बचपन से ही ये जो अपने एक समाज में वो थिएटर भी करते थे, और कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी थिएटर किए और स्टेज डेकोरेशन भी करते। तमाम इनके अंदर प्रतिभाएं थी। अगर से थोड़ा सा हम इनके जीवन की आगे थोड़ा कुछ आगे की बात करें तो 1942 में इन्होंने प्रथम प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई, वो भी एकल 1942 में लगाई। मैंने कहा कि इनके अंदर थोड़ा एक व्यक्तिगत एक गुण था कि ये थोड़ा प्रदर्शनियों में ज़्यादा प्रदर्शनियाँ नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रदर्शनियाँ नहीं की हैं, इन्होंने बहुत प्रदर्शनियाँ दिल्ली में की, ओरिएंटल सोसाइटी में की, पेरिस में की, लंदन में की, लेकिन थोड़ा इसमें देर हुआ। और 1942 में इन्होंने क्या किया, प्रथम अपना प्रदर्शनी लगाया। 1976 में ललित कला अकादमी के फेलो से निर्वाचित हुए। 1970 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रदान किया गया। हम इनके दो पहलू के बारे में बात करेंगे, एक तो उनके जीवनी के जीवन के बारे में जो हमने थोड़ी सी की, और अब हम इनकी कला शैली के बारे में की करेंगे कि इन्होंने कला जगत में अपना योगदान कैसे की दिया, क्या है इनकी शैलियाँ, क्या है इनकी मूर्ति की विशेषताएँ। अगर हम बात करें, जब भी हम बात करते हैं रामकिंकर बैच की, तो अगर हम इनकी मूर्तिकला की बात करते हैं तो जितना आवश्यक इनकी मूर्तिकला की शैली है, या फिर जितना आवश्यक इनकी मूर्तिकला का दर्शन है, उतना ही आवश्यक इनके जीवन को समझना है। क्यों? क्योंकि इनकी मूर्तिकला इनके जीवन से बहुत बहुत एक तरीके से बहुत लगाव है इनके अंदर। 1935 तक का जो स्टेज था वो एक तरीके से संगठनात्मक जो इनकी मूर्तियां थी उसके लिए बड़ा ही सफल एक समय था। 1930 से 40 45 के लगभग एक तरीके से इनके अंदर इनका एक चरम उत्कर्ष काल था, क्योंकि इसी समय कुछ इनकी प्रमुख और महत्वपूर्ण मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं। कि मूर्तियों का माध्यम क्या था, मूर्तियों के माध्यम इन्होंने कंक्रीट रखा, कंक्रीट और सीमेंट। अगर से हम इनकी बात करें तो अब क्योंकि इनका जो एक व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व कैसा था,
ये तमाम जो भी शांतिनिकेतन के आसपास के क्षेत्र होते थे, गांव रहते थे, उनमें ये जाते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। इनका इनका एक लोक व्यवहार था, ग्रामीण परिवेश में जीना। ग्रामीण, जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण में एक अभाव है, तमाम ऐसे तमाम चीज़ों की अभाव, सुविधा नहीं है वहाँ पे, अभाव है। लेकिन अभाव के बावजूद जो ग्रामीण लोक जीवन है, जो परिवेश है वहाँ का, उसमें एक संतोष है, एक उन्माद, एक शांति है, प्रसन्नता भी है। तो वही चीज़ अगर से हम जब इनके मूर्तिकला की व्याख्या करेंगे इनके, तो हम वो चीज़ इनके उस कला में प्राप्त करेंगे। माध्यम के जब जहाँ तक मैंने बात की, तो मैंने कहा था कि राम किंकर बैच बचपन से कुछ अभाव में जिए, टी से लेकर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, और यहाँ तक कि चारकोल, गोबर, जो मिला इनको, जो मिला उसी से ही इन्होंने रचना कर डाली और सफल भी रहे। ठीक है, मैंने यह लिखा कि माध्यम अभाव में भी कला का निर्माण इन्होंने कैसे किया जाता है। माध्यम अभाव अगर हो तो जरूरी नहीं कि अगर हम कभी कभी हमें कुछ हमें रचना करना होता है तो हम माध्यम में फंस जाते हैं कि ये माध्यम मिले तो मैं ये करूं। लेकिन इन्होंने माध्यम के अभाव में भी कला निर्माण कैसे होता है इसका ज्ञान दिया। स्वाभाविक विश्वास ग्रामीण परिवेश दिखाई देता है इनके कला शैली में, क्योंकि इनका जो एक माहौल था वो लोगों से मिलना जुलना होता था, ग्रामीण परिवेश में जाते थे, वहाँ की जो भावनाएं हैं, जो एक विश्वास है उनका इनके प्रति, जो उनके अंदर एक शांति है, प्रसन्नता है, अभाव अभाव है फिर भी प्रसन्नता है, तो उस चीज का इनके कला अंकन में एक स्पर्श दिखाई देता है। स्वयं की कला की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से कलाकारी करना, किसी शासित शासन में बंध कर कार्य नहीं किया कभी भी, किसी धर्म में बंध कर कार्य नहीं किया कभी भी, माध्यम और शैली दोनों प्रकार से ये पूर्ण रूप से एक तरीके में ये कह सकता हूँ कि ये स्वयं की कला को डेवलप किए हैं, चाहे वो माध्यम का चुनाव रहा हो, चाहे वो शैली का चुनाव रहा हो, या फिर विषय का रहा हो, हम सब उसकी बात करेंगे। जब हम इनके स्कल्पचर पे आएंगे तो उसके पहले मैं एक विशेषता बता दूं, क्योंकि इनका जो माध्यम रहा है वो माध्यम इनका जो सफल रहा है वो है कंक्रीट और सीमेंट। और कंक्रीट और सीमेंट के जब ये माध्यम जिस प्रोसेस में लगाए हैं, जो एक तरीके इनका एक तकनीक है, वो पद्धति है, वो है एक थ्रोइंग प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं एडिटिव प्रोसेस। उसमें जब हम इनके फिगर को देखते हैं तो बाहरी जो आवरण है वो बड़ा ही खुरदुरा है, खुरदुरा मतलब सतही जो है स्मूथ नहीं है, उसमें अब कंक्रीट है, सीमेंट है, तो वैसा एक प्रभाव है। लेकिन बाहरी आवरण तो स्ट्रक्चर जो है उसमें खुरदुरापन है, लेकिन जब हम इनकी आंतरिक भावनाओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं स्कल्पचर में, तो उसमें उतना ही शालीनता, उतना ही विनम्रता, उतना ही शांति, उतना ही प्रसन्नता, ये सारा कुछ उसमें दिखाई देता है। जो इनके स्कल्पचर है वो अधिकतर खुले वातावरण में प्रकृति के साथ मिले जुले हुए हैं। आप देखेंगे इनके स्कल्पचर में, जैसे मैं आगे बात करूंगा, सुजाता की, संथाल परिवार की, बुद्ध की, अधिकतर मोन्यूमेंटल और इन्वायरमेंटल दोनों का एक कम्युनिकेशन इनके आर्ट में, और इनके इनके एक जो उनका एक प्रदर्शन है इनकी कला का, उसमें दिखाई देता है। अब मैं बात करूंगा इनके कुछ मूर्तियों के बारे में। रामकिंकर बैच की जो मूर्तियां हैं उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा यक्षी की। कहाँ है ये मूर्ति? ये मूर्ति रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, तो उसके द्वार पे स्थित है। रिजर्व बैंक की जो मांग थी उसके अनुसार इन्होंने ये मूर्ति मूर्ति की रचना की। और ऐसा नहीं है कि इस मूर्ति के लिए इन्होंने बस 2-3 दिन या सोचा और कुछ कोई किसी भी पत्थर से बना दिया। इसके लिए बाकायदा इन्होंने इन्होंने क्या किया, पत्थर पत्थर को पत्थर की पत्थर को ढूंढा, पत्थर का चुनाव किया इसके लिए इन्होंने, और यक्ष यक्षी का निर्माण किया। और ये यक्ष यक्षी में इन्होंने खुद कहा है कि इसमें इन्होंने सांची, भरौत और जो भी पटना से जो भी यक्ष मिले ये बड़े प्रभावित हुए थे उनसे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इनके यक्ष में दिखाई देता है। और इसके साथ इसकी एक और विशेषता है कि हम इसे अगर इस यक्ष को आधुनिक यक्ष या यक्षी कहें आधुनिक, तो ये एक इनका एक सफल कार्य होगा, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि
यक्ष यक्षी का जो चरित्र है, कौन है यक्ष यक्षी, मैं बात करूंगा यक्ष यक्षी के बारे में, तो मानव समाज या फिर मानव सभ्यता और देवी दैवीय सभ्यता के मध्य जो एक देवत्व है, देवत्व देह है, उसे हम यक्ष या यक्षी कहते हैं। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है मानव जाति के जन जन के धन या फिर इसके प्रतिष्ठा की रक्षा करना, या फिर ये रक्षक है। कुबेर को हम जानते हैं, धन की रक्षा हम मानते हैं उनको, तो यक्ष वही है। और ये रिजर्व बैंक के द्वार पे क्यों लगाया गया, ये इनके चरित्र से समझ आता है। इन्होंने कहीं ना कहीं सिंबॉलिक कुछ अंकन इन्होंने किया है, जैसे कि अब अगर से यक्ष की बात करें तो यक्ष को जब हम देखेंगे तो उसमें उसमें जाहिर है कि उसमें प्राचीन जो काल में यक्ष बने थे, जैसे मौर्य काल के यक्ष बने, स्वतंत्र रूप से बने, उनकी पूजा भी होती है। भरहोत में यक्ष, भरहोत की उस पर बने हैं, सांची की दीवार पे यक्ष बने हैं। तो तमाम ऐसे अध्ययन के बाद इन्होंने जो यक्ष की रचना की, तो निसंदेह उसमें जो है इनका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन आप ये इस यक्ष के जब हाथ में देखेंगे तो उसके हाथ में क्या है, एक एक डिस्क है, डिस्क की शेष का है, जो हम उद्योग का प्रतीक है डिस्क। ये तो चल नहीं रहा है, एक चक्रनुमा जो एक उद्योग का प्रतीक होता है डिस्क, वो इनके हाथ में है। और वो एक प्रतीक है, वो एक सिंबल है किस चीज का, उद्योग का। तो एक तरीके से सिंबॉलिक चीज का इन्होंने भी अंकन किया है। यक्ष यक्षी हो गए, हम बात करेंगे सुजाता की। सुजाता कौन है और ये कहाँ है ये मूर्ति? ये मूर्ति शांति निकेतन के प्रांगण में है। इस मूर्ति की विशेषता क्या है? मैंने एक चीज बताई पहले कि ग्रामीण परिवेश से जो इनका जुड़ाव था, ग्रामीण परिवेश से जो इनका जुड़ाव था, ठीक है, जो इनकी एक 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 इन्होंने जो भावनाएं व्यक्त की है उसमें क्या है कि इनके इनके जीवन से ही संबंधित चीजें तो हैं। वो जब हम सुजाता की मूर्ति को देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जब आप देखेंगे तो लंबी आकृति जो है इसमें बनाई गई है सुजाता की। और उसका जो एक माध्यम का जो उनका उसका जो एक सरफेस है, मैंने पहले ही कहा उसमें एक खुरदुरापन है, खुरदुरापन है माध्यम के कारण। लेकिन जब आप सुजाता के उस सिर के ऊपर देखेंगे तो उसमें क्या है, उसके ऊपर एक बर्तन है या कुछ है, क्योंकि। और ये चीज़ कैसे क्या साबित करता है, जब हम गांव हम अक्सर देखे होंगे गांव में क्या होता है कि जब पति या फिर घर के पुरुष लोग जब खेत में काम करने जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो दोपहर का भोजन या फिर सुबह का भोजन लेकर महिलाएं जो है खेत में कैसे अपने पति के लिए जाते हैं, जो इसके ऊपर सर के ऊपर ऐसे रखती हैं और फिर जाती हैं। तो वो एक जो चरित्र है, जो एक चरित्र है, जो एक विचार है, जो एक प्रदर्शन है, वो यहाँ पे सुजाता में हमें देखने को मिलता है। सुजाता को जब आप देखें तो उनके सर पे वो एक खीर जो वो महात्मा बुद्ध के लिए ले खीर लेके जाती हैं, तो वो दृश्य का बड़ा ही सटीक और एक तरीके से बड़ा ही वास्तविक अंकन इन्होंने किया है। 1935 में लगभग निर्माण किया गया था और शांति निकेतन में। बुद्ध की बात करें तो बुद्ध भी शांति निकेतन में है। अब हम बात करते हैं संथाल परिवार की। संथाल परिवार की जब हम बात करते हैं, बड़ी प्रसिद्ध इनकी ये रचना है और ये शांति निकेतन के प्रांगण में ही है। हम इसमें देखते क्या है, इसमें एक 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 आकृति है पुरुष की और एक महिला की आकृति है। हो सकता ये निश्चय है कि उसका एक परिवार है जिसमें पुरुष ने एक बेहंगी हम जानते हैं क्या होता है कि बेहंगी अक्सर आप देखेंगे तो एक एक डंडे नुमा एक संरचना होता है जिसको जिसके दोनों छोर पे रस्सी से एक दो पटरे बंधे होते हैं और वो सामान या हम कह सकते हैं अक्सर हम जब गांव में जाते हैं तो जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ मजदूर होते हैं वो अक्सर उसका प्रयोग करते हैं। तो वो है एक जो बेहंगी है उसके आगे वाले छोर पे एक बच्चा बैठा हुआ है और पीछे कुछ सामान पोटड़ियाँ हैं और एक महिला अपने गोद में एक बच्चे को लेकर और आगे बढ़ रहा है और एक साथ में नीचे जब आप देखेंगे तो एक स्वान है यानी डॉग है। ले अब इस अंकन को जरा समझिए क्या है ये। बेहंगी जो होता है जब हम किसी भारी वस्तु को बार बार उठाते हैं या फिर ले जाते हैं अक्सर जो मजदूर होते हैं उनको आप देखेंगे तो बेहंगी उठाने से क्या होता है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है एक घाव घाव बन जाता है या फिर एक चमड़ी जो है कट जाती है फट जाती है ऐसा एक उभार बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसमें क्या है कि जो पुरुष का पुरुषार्थ है इस मूर्ति में वो बड़ा ही अच्छे तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो परिवार परिवार चलाने की भावना है
परिवार के प्रति समर्पण है वो इसमें दिखाई देता है। क्योंकि शरीर में आप जब देखेंगे तो शरीर में क्या है, शरीर में खुरदुरापन है, ठीक है, गतिशील है शरीर, शरीर में आप तनाव देखेंगे उसमें। लेकिन जब आप चेहरे की बात करते हैं, जब जैसे ही आप इसके चेहरे पे किसी के इनके चेहरे पे आते हैं तो चेहरे पे उतना ही शांति भाव, उतना ही संतोष का भाव दिखाई देता है। ये प्रदर्शित करता है कि परिवार के प्रति पुरुष, उस पुरुष का अपने पत्नी अपने बच्चों के प्रति अपने परिवार के प्रति कितना समर्पण है। सामने श्वान है, श्वान का अंकन जो है हम अक्सर गांव में देखा करते हैं, या फिर जब हम पशु और मानव सभ्यता के एक मित्रवत भावना की बात करते हैं तो हमारे हमारे ख्यालात में एक एक ही पशु सबसे पहले आता है, उसका नाम है डॉग। गांव में क्या होता है कि जब लोग खेत में जाते हैं तो वो श्वान भी साथ में चलता है, जब घर पे आते हैं तो वो भी घर में आता है, साथ में खाता है, साथ में रहता है, बैठता है। तो इतना इतना जो एक इतना एक नज़दीकी है उस जानवर उस पशु से वो यहाँ पे दिखाई देता है। ये एक हम कह सकते हैं ये एक प्रतीकात्मक अंकन भी है। बच्चा है सामने, तो ये इनका एक संथाल परिवार का जो एक इन्होंने सीन क्रिएट किया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। 1938 में ये लगभग बनाया गया और ये शांति निकेतन में ही है। हार्वेस्ट की प्रतिमा है, इन्होंने बनाई है 1943 के लगभग। मील कॉल यानी मील की ओर, ये एक अद्भुत इनकी एक रचना है। जब आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो इसमें क्या है कि कुछ महिला आकृतियाँ जो है कि दौड़ते हुए या फिर बड़ी गतिशील अवस्था में मेल की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि मेल की जो घंटी है, मेल का बुलावा आ गया है या फिर मेल की घंटी बज गई है तो उनको जल्दी पहुंचना है। और पीछे जब आप देखेंगे प्रतिमा के तो एक छोटा बच्चा जो है वो भी अपनी माँ के पीछे दौड़ रहा है और एक आकृति जो है वो ऐसे पीछे बच्चे को की तरफ देख रही है या फिर उसको उस पर नज़र लगाए है। इसमें क्या है, इसमें दर्शाया गया है कि इसमें भी वही चीज़ है, परिवार के प्रति एक समर्पण का भाव कि बच्चा भी बच्चा कहीं छूटा ना जाए, कि उनको उनको बच्चे की भी चिंता है और मेल पे पहुंचना भी जल्दी है। दोनों चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। शरीर में तनाव है या फिर हम कहें ये खिंचाव है, खुरदुरापन तो है ही माध्यम की वजह से, जैसा प्रयोग है इनका खुरदुरापन है, शरीर में खिंचाव है, सारा कुछ है। आप तनाव देखेंगे, टेंशन देखेंगे, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज पर देखेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा जैसे ही आप चेहरे पे आते हैं तो चेहरा फिर वहीं प्रफुल्लित शांत भाव उसमें भी दर्शाया गया है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। इसके अलावा फादर और ये फादर एंड सन है इनकी प्रतिमा, माध्यम का बात मैंने की। तो ये रही, ये पूरा जो है इनका एक कार्य प्रणाली, इनकी इनकी कार्यशैली क्या थी, इनकी इनका एक विचार क्या है, इनका योगदान क्या रहा है भारतीय मूर्तिकला जगत में। इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1980 में हो जाती है। तो ये रहा पूरा राम की गर्वेज का एक जीवन परिचय, जिसमें मैंने इनकी प्रतिमाओं के बारे में बात की, इनके इनका एक शैली है जो उनके बारे में बात की, इनके जीवन के बारे में बात की। और आगे हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे अन्य कलाकार के बारे में, भारतीय कला जगत में से अन्य किसी विषय पर। और तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका कोई भी प्रश्न हो, वो प्रश्न कला जगत से भी हो या फिर आपको लगे कि इसमें कुछ गलत है, तो आप निसंदेह आप कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद।